जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 55 छात्रों को गोल्ड मेडल और 90 छात्रों को शोध उपाधि से सुशोभित किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियाँ मिली हैं, उन सभी को बधाई और कहा कि यह सत्र समाप्ति की ओर है। अगले सत्र में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कोऑर्डिनेशन समिति के बीच मीटिंग है, उसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि 2023 छात्र संघ के चुनाव कराए जा सकते हैं। और ये आनंद का क्षण उन सबके सहभागी होने का भी होता है जब हमारा विद्यार्थी अपने इस शिक्षा के बाद अपने अंकों के माध्यम से समाज में विशेष प्रतिष्ठा पाता है और वो उसकी प्रतिष्ठा जब स्वर्ण पदक में बदल जाती तो वो खुशी कोई कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए एक बार उन सारे स्वर्ण पदक धारकों के लिए भी मैं आपकी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उसमें भी बड़ा विचित्र और अनोखा है, अद्भुत है, किसी को एक मिल रहा है, किसी को दो मिल रहा है, बेटियों को तो तीन तीन पदक मिले हैं। मैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्रतिभा के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया है। हम सबका सौभाग्य है, जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में आज हम सब विद्यार्थियों के लिए जिनने गोल्ड मेडल दिए उनको दीक्षांत में सभी लोगों को मेडल दिए गए। जो पीएचडी उपाधिधारक है उनको पीएचडी दी है। हमारा प्रयास है यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि जो हमारा शिक्षा का सत्र चालू हो जाए, उस शिक्षा के सत्र के साथ ही जो जो उपाधियाँ देना है वो समय पर दे दें ताकि बच्चे उसका लाभ भी ले और कुल मिलाकर विश्वविद्यालय की गरिमा भी बनी रहे।